शाजापुर में बोले नरेंद्र मोदी, भाजपा की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का तंबू उखड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाजापुर में जनसभा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस के तंबू उखड़ गए। पीएम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। मोदी पीएम के रूप में पहली बार शाजापुर आए हैं। इसके पहले वह वर्ष 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिले के मोहन लोदिया क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। इंदौर खंडवा राजमार्ग में 12 धार्मिक स्थल बाधक शिफ्ट करने के लिए ग्रामीण राजी नहीं। इंदौर खंडवा इदलाबाद हाईवे निर्माण को लेकर NHAI की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। पहले कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने राजमार्ग का रास्ता कई स्थानों से मनमाफिक मोड़ दिया। भंवर कुआं से लेकर बड़वाह के बीच 12 मंदिर हैं, जिनमें अधिकांश राजस्व की भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे। रात में घर में सो रहा था दिव्यांग, सुबह खेत के पास मिली सिर कुचली लाश। सिर कुचली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला खालवा थाना क्षेत्र की रोशनी चौकी के ग्राम रेनहाई में 11 नवंबर की रात का है। खरगापुर में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री के बेटे के वीडियो को लेकर साधा प्रधानमंत्री पर निशाना। खरगापुर में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह सहित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर साधा निशाना। कहा कि मंत्री के बेटे के वीडियो के बाद क्यों नहीं हुई ED CBI की जांच। उज्जैन में 2100 लीटर दूध से किया माता गजलक्ष्मी का अभिषेक। मान्यता है माता के आशीर्वाद से भक्तों को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते दीपावली पर सैकड़ों भक्त यहां माता गजलक्ष्मी का दुग्धाभिषेक व दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। सोने का भाव फिर पहुंचा 60,000 के पार, चांदी में देखने को मिली तेजी। भारतीय सर्राफा बाजार में 14 नवंबर 2023 को सोने के भाव में तेजी आई है। सोने का भाव 60,071 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 13 नवंबर 2023 को सोने के शाम के भाव की तुलना में 192 रुपए की तेजी आई है। पहले हवा, अब दिल्ली का पानी भी खराब, यमुना घाट पर दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिवाली के बाद भी AQI में सुधार नहीं आया है। स्विस कंपनी IQAir के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इस बीच राजधानी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इससे पता चलता है कि हवा के साथ अब पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना घाटों पर जहरीला झाग दिखने लगा है। इससे छठ पर्व मानने वालों को परेशानी होगी। रीवा के सेमरिया में मुख्यमंत्री योगी बोले, संकट का साथी, सबसे अच्छा साथी भाजपा सरकार। चुनावी सभा में बोले, भाजपा को जिताएं और देश को बचाएं। कांग्रेस पर साधा निशाना, चुनावी सभा सेमरिया में बोले, मध्य प्रदेश में नहीं खुलना चाहिए खाता। विदिशा में बोले राहुल गांधी, 5 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी जिसे इन्होंने चुरा लिया। विदिशा जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को करीब 150 सीटें देने जा रही है। 5 साल पहले आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन मोदी, शिवराज सिंह, अमित शाह ने विधायकों को खरीद कर आपकी चुनी हुई सरकार चोरी कर ली थी। राहुल के मेड इन चाइना मोबाइल वाले बयान पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, इन्हें देश की सफलता नहीं दिखती। भाजपा का प्रयास है कि प्रधानमंत्री की सभा का लाभ बैतूल की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मिल सके।